गोली मारो सालों को जैसे घोर आपत्तिजनक और असंवैधानिक नारे लगाने वाले कानून एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मंत्रालय ने अब उन YouTube चैनलों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है जो उनकी विचारधारा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जो उनकी सरकार की विचारधारा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। मोदी के सूचना प्रसारण मंत्री को मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी पत्रकारों को गोदी बनाने के बावजूद भी स्थिति अनकंट्रोल्ड लग रही है, तब कहीं जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निशाना बनाया जाने लगा है। बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को बिना कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके पहले बोलता हिंदुस्तान के ही इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। हालांकि यूट्यूब ने बताया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है ये यूट्यूब चैनल IT एक्ट 2000 का उल्लंघन कर रहा है, इसे जल्द से जल्द ब्लॉक किया जाना चाहिए, साथ ही कोई कारण बताने से मना किया है। लिखा है जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। अब मोदी सरकार की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि गोदी मीडिया पर बैठे पत्रकार सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करके समाज में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन YouTube चैनल पर जो लोग जनता की आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं उनको इस तरीके से दबाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा वजह भी नहीं बताई गई और चैनल भी बंद कर दिया गया। इसके साथ कई लोगों की आजीविका भी खत्म कर दी गई। इतने सारे गोदी चैनल आराम से चल रहे हैं, फाइन देने के बाद भी वही सब दोहरा रहे हैं, लेकिन अब YouTube से दिक्कत होने लगी है, ताकि सारे रास्ते बंद हो जाएं। विपक्ष को जेल में डालो और बोलने वाले का चैनल बंद कर दो, फिर 400 क्या 800 आ ही जाएगा। ये सरकार निंदा के असर के ऊपर उठ चुकी है, क्रूरता बरतने में इसे गर्व होता है। News 24 के पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा कहते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये बताना चाहिए था कि बोलता हिंदुस्तान के YouTube चैनल को बंद करने की असली वजह क्या है। मैं नहीं मानता कि सरकार की आलोचना करने की वजह से इसे बंद किया गया होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो दिन भर सरकार की आलोचना करते हैं, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और अगर सरकार की आलोचना करने की वजह से ही इसे बंद किया गया है तो आने वाले समय में ऐसे भी और चैनल बंद होंगे, ये स्थिति ठीक नहीं है। YouTube पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी आवाज उठाई है, उन्होंने कहा है बिना कोई कारण बताए सरकार को इस तरीके से कार्रवाई शोभा नहीं देती है, ये सही नहीं है, ये निंदनीय है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना है, बोलता हिंदुस्तान चैनल को रिस्टोर किया जाना चाहिए। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।